योगी आदित्यनाथ के 11 मंत्री विधानसभा चुनाव हार गए हैं। उसी में से एक मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो समाजवादी पार्टी के पार्टी में चले गए थे, और अब समाजवादी पार्टी की सरकार भी नहीं बनी है, इसलिए स्वामी प्रसाद बिना नोटिस दिए बंगला छोड़कर अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर से देखिए हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े स्वामी प्रसाद मौर्य अब फाजिल नगर विधानसभा से चुनाव हार चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा विरोधी बयानों से फेमस हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पे हम इस समय मौजूद हैं। लगातार विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये दावे ठोक के कहे कि हम जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी को जिता के लेके आते हैं। आपको बता दें कि ये उनका सरकारी आवास है जो कि 14 कालीदास मार्ग पर स्थित है, और अब उनको आवास अपना खाली करना पड़ रहा है क्योंकि वो अब सत्ता में नहीं है। अपना चुनाव फाजिल नगर विधानसभा से वो हार चुके हैं और इसलिए अब उनको अपना आवास जो सरकारी आवास है वो खाली करना पड़ रहा है। आपको अंदर की तस्वीर दिखा दें, अंदर गाड़ियां खड़ी हैं और जो अंदर कर्मचारी मौजूद हैं वो लगातार घर को खाली करने का काम कर रहे हैं। लगातार सामान गाड़ियों द्वारा वो बाहर लेके जाया जा रहा है। आपको एक नेम प्लेट दिखा दें जहां पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता में थे तब यहां पर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का एक नेम प्लेट लगा हुआ था, उनके घर के दरवाजे पर ये नेम प्लेट लगा हुआ था, अब उसको हटा दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि कल तक ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा और उसकी चाबी राज संपत्ति विभाग को दे दी जाएगी। इंडिया न्यूज से मैं सूरज कुमार, लखनऊ। तो प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के तुरंत बाद फुल पावर में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। योगी आदित्यनाथ अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय इकाना क्रिकेट स्टेडियम में सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। इकाना स्टेडियम का हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। जगह होगी जहां योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी कार्यकाल का शपथ लेंगे और उनके तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगी यहां पे शपथ लेंगे और उनका शपथ राज्यपाल दिलाएंगी। ये भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पे तैयारियां हो रही है क्योंकि सुरक्षा कारण से अंदर जाने की अलाउ नहीं है, लेकिन यहां पे आज ही फोर्स की व्यवस्था हो गई है, चौक चौमन व्यवस्था हो गई है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पे अंदर वही लोग अलाउ है जो कर्मचारी या यहाँ मजदूर काम लग सकते हैं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर सुरक्षा के तमाम सिक्योरिटी की भी व्यवस्था अच्छी है, इसलिए कि चूंकि वीवीआईपी कार्यक्रम है, यहाँ पे तमाम वीवीआईपी लोग आएंगे। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। अभी संभावित कार्यक्रम, अभी हालांकि डेट की घोषणा नहीं हो पाई है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से यहां पे हलचल बढ़ी हुई है। क्या कुछ तैयारी को लेकर चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था क्या है खास यहां पे? अभी तक पीएसी कितनी यहां पे डिप्लॉय की गई है? एक प्लाटून, हमसे मत बात कराइए, लेकिन आप बता दीजिए उनको कि एक प्लाटून पीएसी लगी है, अंदर तैयारी चल रही है, अंदर तैयारी चल रही है। देखिए चूंकि कुछ कारण भी होते हैं, चूंकि यहाँ पे सुरक्षा में ड्यूटी लगाई है तो एक नियम होता है कि यहाँ पे लोग बताएंगे नहीं कि क्या चल रहा है, अंदर तैयारी चल रही है। लगातार ये मजदूर है जो मेहनत करके अंदर से आ रहे हैं, वहाँ सफाई करके लोग आ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जो तारीखों पर जो अभी तक अंदेशा है कि कब होगी, आप लोग अंदर से काम करके आ रहे हैं, सफाई के काम पूरा जी, है जी 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 कहाँ तक काम हो चुका है? अरे हम लोग उतार रहे गाड़ी का लोडिंग जो रहे हैं। टेंट वेंट लग रहा है कि नहीं? अभी नहीं लग रहा है। हाँ टेंट लग रहा है, टेंट कब तक टेंट लग जाएगा? अब सामान उतर रही है, सब सामान लगे, हाँ सामान उतर रही टेंट का, अंदर सिक्योरिटी भी है। हाँ देखिए इंडिया न्यूज की इस खबर की तो पुष्टि हो गई है कि यहीं पर योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। जैसे कि यहाँ के मजदूर कर्मचारी बता रहे थे कि अंदर टेंट लग रहा है, मैंने पहले ही कहा कि सुरक्षा कारणों से अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। सहयोगी समसाद के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ।